हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? इतने सारे फोटो देख आपको पता लग गया होगा कि ये राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के फोटो हैं। बच्चों, इन सब के अलावा आपने अपने आसपास के क्षेत्र में चिड़ियाघर भी अवश्य ही देखा होगा। इन सब स्थानों को बनाने का उद्देश्य है पौधे एवं जंतुओं को संरक्षित करना, और यही अपना आज का पाठ भी है। तो बच्चों, पढ़ते हैं अपनी कक्षा 8 का पाठ नंबर 7, जिसका नाम है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। बच्चों, इस पाठ के सीखने के जो प्रतिफल हैं, वह है कि आप यह पाठ पढ़ने के पश्चात वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण को समझकर जागरूक हो जाएंगे कि क्यों हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। साथ ही बच्चों, वृक्ष ऊर्जा और पानी के उपयोग और पुनः उपयोग व बचत के प्रति भी आप संवेदनशील हो जाएंगे। तो यह है अपने इस पाठ के सीखने के प्रतिफल। अब बच्चों, आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि पौधों और जंतुओं को संरक्षित करने की क्या आवश्यकता है, उन्हें भला क्या खतरा है। इन्हीं सवालों के जवाब हमें आज इस पाठ से मिलने वाले हैं। बच्चों, हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक है। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं वनोन्मूलन का अर्थ क्या है? बच्चों, वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त कर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। तो ये हमारी परिभाषा भी है वनोन्मूलन की। मैं फिर से दोहराती हूँ, वनों को समाप्त कर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है। अब वनों की या वृक्षों की कटाई हम क्यों करते हैं? उसके कई कारण हैं, जैसे कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, या फर्नीचर बनाने या लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना इसके कारण है। साथ ही बच्चों, दावानल या भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। जो पहले बताए वो थे मनुष्य के कारण, और अब जो है ये प्राकृतिक कारक हैं, और इसके बाद बच्चों वनोन्मूलन के बड़े ही भीषण परिणाम होते हैं। बच्चों, वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, और बच्चों भूमजल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। बच्चों, यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी, और यही नहीं, इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। ये बहुत सारे दुष्परिणाम हैं वनोन्मूलन के। बच्चों, अब याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है, यहाँ आप ध्यान से समझें, यदि पेड़ कम होंगे यानी कम अगर वृक्ष हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है, और अंततः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है, यानी हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ जाता है। और बच्चों, पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? वृक्षों की
कटाई की वजह से, और ये इतना बड़ा जो दुष्प्रभाव है वो हमारे सामने आता है। साथ ही बच्चों, मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है, यानी हमारी मिट्टी के जो गुण है जिनसे उनकी उर्वरता बनती है उसमें भी जो है परिवर्तन आता है, और उसका मुख्य कारण क्या है? शाबाश, वनोन्मूलन। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। बच्चों याद कीजिए, कक्षा 7 में वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टाने दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है, और धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। और बच्चों इस पूरी क्रिया को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं, यानी हमारी जो उपजाऊ भूमि थी वो पेड़ों के कटने की वजह से धीरे धीरे जो है वो उसकी ऊपरी परत हट जाती है, और उसके नीचे की जो पत्थर या चट्टाने होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, और इस प्रकार से जो उपजाऊ भूमि थी वो वक्त के साथ साथ पेड़ों की अनुपस्थिति के कारण मरुस्थल भूमि में परिवर्तित हो जाती है। बच्चों मरुस्थलीकरण के अलावा वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। और आप अभी अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि हमारे कितने सारे राज्य हैं जो बाढ़ से ग्रस्त हैं। यही नहीं बच्चों, मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि सिर्फ वृक्ष काटने से हमारे पूरे जो पृथ्वी का तापमान है या पेड़ है या मिट्टी है या जल चक्र है या मिट्टी की जो क्वालिटी है उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कितना भारी परिवर्तन होता है। अब बच्चों आप एक छोटा सा क्रियाकलाप करें जिससे आप समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वह कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे वनों से हमें अनेक प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, आप क्या करें इन उत्पादों की एक सूची बनाएं। जैसे दवाइयां, लकड़ी, ईंधन, ये सभी हमें वनों से प्राप्त होते हैं। यदि हम इन वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? आप सोचिए, यह बहुत ही विचारणीय पहलू है। साथ ही बच्चों वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है यह प्रश्न भी आप अवश्य सोचें, क्योंकि ये हम ही मनुष्य हैं जो इस प्रकार से इन सभी को प्रभावित कर रहे हैं केवल अपनी इच्छाओं के लिए। बच्चों अब मैं चित्र की सहायता से पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र की सैर आपको करवाती हूं। बच्चों इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। इस क्षेत्र की जैव विविधता बड़ी अनूठी है। जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। बच्चों जैव मंडल हम किसे कहते हैं? जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है, ऐसे भाग को हम जैव मंडल भाग कहते हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका संबंध, ये सभी मिलकर के जैव विविधता का निर्माण करते हैं। बच्चों यही नहीं, वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षरोपण, कृषि, चारागृह, वृक्षों की कटाई, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, इन क्षेत्रों में निषिद्ध है, यानी यहाँ जानवर
रूप से सुरक्षित रखे जाते हैं। अभयारण्य बच्चों क्या स्थान है, यानी हम अभयारण्य किसको कहेंगे? वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित हैं, उस पूरे क्षेत्र को हम अभयारण्य कहते हैं। और यदि हमें बतानी हो राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा, तो बच्चों वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र यानी निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उस क्षेत्र को हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। फिर है बच्चों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह क्या होता है? बच्चों वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। बच्चों जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ये सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, जैव विविधता का अर्थ जो अभी बताया था कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां मिलकर के उस जैव विविधता का निर्माण करते हैं जो उस क्षेत्र में पाई जाती है। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं, जैसे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक दो वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं, जैसा मैं अभी आपको चित्र में दिखा रही हूँ। बच्चों आप एक छोटा सा क्रियाकलाप और करें। क्या करना है आपको कि अपने क्षेत्र में जहां आप रहते हैं वहां पर जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाइए, यानी वो कारण आपने ढूंढने हैं, वो लिस्ट बनानी है जिसमें आपके आसपास के क्षेत्र में जैव विविधता को खतरा है, किन कारणों से खतरा है वो कारणों की आप सूची बनाएं। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं, यानी हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी जैव विविधता को कठिनाई में डाल रहे हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की आप एक सूची बनाइए, फिर सोचें या लिखें कि इन्हें कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए आप अपने माता पिता से भी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही बच्चों हम वनस्पति जात या प्राणी जात किसे कहेंगे? आपके या किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाएंगे और उसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाएंगे। बच्चों जैसे साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये सभी वनस्पति जात हैं, और चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि ये सभी पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। इसी प्रकार आप अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात और वहां पाए जाने वाले जीव जंतु को प्राणी जात कह सकते हैं। यहाँ आपको चित्र में एक बड़ी ही सुंदर गिलहरी जिसकी पूंछ कैसी है, लंबी फर वाली, ये दिखाई दे रही है। आप इसके विषय में जानने के लिए बड़े उत्सुक होंगे। इसका नाम पता है क्या है? इसे हम विशाल गिलहरी कहते हैं और यह पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है। अब आप कहेंगे कि ये क्या होती है? तो बच्चों पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, यानी उस एरिया की वो खासियत होती है, उसे हम विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्री हो सकते हैं।
पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को देखो, चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? ये यहाँ के विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण है। बच्चों, इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है और इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। स्पीशीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। यानी यहां हम क्या सीख रहे हैं कि स्पीशीज किसे कहते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं और एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। बच्चों, आप जहां रहते हैं वहां पर कौन से विशेष क्षेत्रीय पौधे और जंतु पाए जाते हैं, इनका भी आप अवश्य पता लगा। बच्चों, अब है ये जो आप बोर्ड देख रही हैं, क्या लिखा हुआ है? पचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। बच्चों, आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं और इन्हें हम वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य माने वह स्थान जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों, आप भी कभी ना कभी अपने आसपास के चिड़ियाघर में अवश्य ही गए होंगे। वह भी किस लिए बनाए जाते हैं? उनका निर्माण भी वहां पे पाए जाने वाले कुछ विशिष्ट जंतुओं की संरक्षण हेतु किया गया है। बच्चों, अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। और ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में प्रयासरत है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि एवं ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है, ये आप याद कर लें। सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन के जो वृक्ष हैं इस वन में मिलते हैं। बच्चों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जो चट्टानों में आवास भी स्थित है, यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों का प्रागैतिहासिक भ्रमण है जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास को पहचाना जा चुका है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। अब आप यहाँ यह बोर्ड देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। बच्चों, हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। इस परियोजना का क्या उद्देश्य है? बच्चों, इस परियोजना का उद्देश्य है अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना। बच्चों, बाघों को संरक्षण की जरूरत, आप हैरान है ना? ये तो खुद इतने शक्तिशाली हैं। इनकी विशिष्टताएं, इनके जो गुण हैं, वह इसे सबसे अलग बनाता है, लेकिन फिर भी इसको संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि यह आजकल उस श्रेणी में आ चुका है जहां इसका बहुत ज्यादा शिकार करके इसकी मात्रा कम हो चुकी है।
बच्चों बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे आने वाले समय में विलुप्त हो सकते हैं, उन जंतुओं को हम संकटापन जंतु कहते हैं। ये है हमारे संकटापन जंतु की परिभाषा। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे आने वाले समय में विलुप्त हो सकते हैं, ऐसे जंतु संकटापन जंतु कहलाते हैं। जैसे बच्चों बीते हुए समय में डायनासोर थे और वे लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। बच्चों अब प्रश्न आता है कि क्या केवल बड़े जंतु ही विलुप्त होने के कगार पर हैं? यह सोचने वाली बात है। बच्चों मैं आपका ध्यान इस बात पर जरूर दिलाना चाहूंगी कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों को विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। हम ध्यान नहीं करते, परंतु अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और परितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं। उनको मारकर हम स्वयं की हानि कर रहे हैं। यद्यपि ये आकार में छोटे हैं, परंतु परितंत्र में उनके योगदान को हम अनदेखा नहीं कर सकते। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप सोचेंगे ये इतने छोटे छोटे जीव किस लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? तो बच्चों याद कीजिए आहार जाल एवं आहार श्रृंखला को, जो आप अपनी पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं, और उसमें स्मरण कीजिए कि किस प्रकार हर एक स्तर पर पाया जाने वाला जीव, चाहे वो कितना ही छोटा है, वो उस श्रृंखला के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम उस श्रृंखला के किसी भी स्तर से किसी भी जीव को हटा देते हैं तो पूरी श्रृंखला जो है वो प्रभावित हो जाती है, और इसीलिए ये जितने छोटे छोटे जीव हैं जिनको हम यूं ही निर्दयता से मार डालते हैं, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान अपनी आहार श्रृंखला में रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं, यानी जैव और अजैव घटक मिलकर के एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। बच्चों अब मैं आपको एक विशेष पुस्तक दिखाती हूँ। इस पुस्तक का नाम है रेड डाटा पुस्तक। हैरान हो गए ये देखकर कि ये कौन सी पुस्तक है। यह बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है बच्चों। बच्चों रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी उन सभी की सूची इसमें होती है कि किस जीव पर कितना खतरा है, वो किस संकट की कगार पर पहुंच चुका है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं, और इसकी जानकारी आप जो है वो अपने कंप्यूटर पे भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यह चित्र देखो, कितने सारे पक्षी, पर ये क्या, ये तो उड़कर कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? बच्चों जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह वहां से यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक ठंड के कारण
वह उस स्थान पर जीवन यापन हेतु उनके लिए अनुकूल नहीं होता। तो ऐसे पक्षी अपने आप को या अपनी जान बचाने के लिए उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं और इन पक्षियों को हम एक विशेष नाम देते हैं, प्रवासी पक्षी। देखा बच्चों, ये पक्षी कितनी मेहनत करते हैं। अब आप भी एक बात बड़े ध्यान से सुनें और याद करें कि मैं कक्षा में आपको कितनी बार कागज फाड़ने से रोकती हूं। क्यों रोकती हूं, आज उसका भी कारण आपको बताती हूं। एक टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अंततः हमें कागज की बचत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक कागज से कहीं ना कहीं हम किसी पेड़ की जान बचा रहे हैं। उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में एक कागज की बचत करता है, सोचो यदि कोई छात्र दिन में मात्र एक कागज की बचत करता है तो हम एक पूरे वर्ष में कितने सारे वृक्षों की जान बचा सकते हैं, है ना विचारणीय। और आप अक्सर कहते हो कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा योगदान जो हम दे सकते हैं कि हम व्यर्थ ही कागज ना फाड़ें। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण भी करना चाहिए। इसके द्वारा हम ना केवल वृक्षों को बचाते हैं परंतु कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाला जल और ऊर्जा की भी बचत करते हैं। यानी हम सीधे या परोक्ष रूप से अपने पूरे पर्यावरण की मदद करते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन में उपयोग आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आ जाएगी। तो देखा कितना महत्वपूर्ण है आपका एक कागज का न फाड़ना। बच्चों, अब आपके मन में बड़े ही प्रश्न आ रहे होंगे और सबसे कठिन प्रश्न है कि हम इन समस्याओं से कैसे बचें। तो मैंने आपको पाठ की शुरुआत में जो समस्या बताई थी वो थी वनोन्मूलन की, यानी वनों के काटे जाने की समस्या। और उनके काटे जाने के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था। और इन सभी समस्याओं से बचने का एक उपाय है और वह क्या है, पुनर्वनरोपण, यानी वनों को दोबारा से रोपा जाए। जिन पेड़ों को हम काट चुके हैं उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाए जाए। बच्चों, पुनर्वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों को रोपना होता है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। बच्चों, हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है, यानी हमें वहां कुछ नहीं करना, लेकिन यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, इसका सीधा सा उपाय है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबंधित छोड़ दिया जाए, यानी अबाधित छोड़ दिया जाए, तो वह स्वयं पुनर्रोपित हो जाता है। यानी वहां पर मनुष्य को अपनी कोई भी क्रियाकलाप नहीं करनी है। प्राकृतिक पुनर्रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है और वहां वो प्रकृति द्वारा स्वयं ही उगा दिए जाते हैं। हम अपने वनों को अब तक बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम वनों को पुनः उगने का मौका दें, ताकि हमारी जो पृथ्वी है वह हरी भरी हो सके, पुनः उसको जीवन प्राप्त हो सके। यह पृथ्वी के लिए नहीं बच्चों, हमारे स्वयं के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, इस पाठ से आप अवश्य ही समझने लग गए हैं कि वन हमारे लिए क्यों जरूरी है। और वो जरूरी नहीं, वन हमारे सच्चे मित्र हैं और हम वन और वन में रहने वाले जंतुओं और पौधों का शिकार ना करें। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और अगर हम रक्षा ना करें तो उन्हें परेशान भी ना करें।
ये है बच्चों अपना पाठ, और अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा, यानी एक बार हम पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। जैसे बच्चों सबसे पहले हमने बात की वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ऐसे नाम हैं जो वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु बने हैं। इसके बाद बच्चों जैव विविधता का अर्थ क्या है यह हमने सीखा, यानी जैव विविधता का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। फिर बच्चों हमने देखा किसी एक क्षेत्र के सभी पौधों एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात माने जाते हैं। तत्पश्चात हमने क्या सीखा, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। शाबाश। तत्पश्चात बच्चों हमने क्या सीखा था और कि संकटापन्न स्पीशीज वह स्पीशीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है। और फिर हमने देखी थी एक बड़ी ही खास पुस्तक जिसका नाम क्या था, हाँ बिल्कुल सही, रेड डाटा पुस्तक। और रेड डाटा पुस्तक में हम क्या करते हैं, संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखते हैं। इसके बाद बच्चों हमने बात की प्रवास की, और प्रवास क्या है, प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है, उस पूरी घटना को हम प्रवास कहते हैं। फिर बच्चों हमने सीखा वृक्ष ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत, उनका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण के संबंधित बात की, और यह भी जाना कि किस प्रकार हमारा एक छोटा सा प्रयास यानी कागज को न फाड़ने का प्रयास हमारी पूरी प्रकृति के लिए फायदेमंद हो सकता है, और मुझे यकीन है आप ये प्रयास अवश्य करेंगे। और फिर हमने बात की बच्चों पुनर्वनरोपण की, यानी नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए हमें रोपण करना चाहिए, हमें पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। अब बच्चों हम कुछ प्रश्नों पर नजर डालते हैं, ये वह प्रश्न है जो हमारी मदद करेंगे अपने पाठ को दोहराने के लिए। जैसे पहला प्रश्न क्या है कि जैव विविधता का क्या अर्थ होता है, इसमें आपको जैव विविधता की परिभाषा लिखनी है। तत्पश्चात प्रश्न दो है वनस्पति जात और प्राणी जात किसे कहते हैं, यहां आप इनकी परिभाषा लिखें और अपने आसपास पाए जाने वाले वनस्पति जात और प्राणी जात के दो दो उदाहरण भी लिखें। फिर बच्चों अगला प्रश्न है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज किसे कहते हैं, और आगे प्रश्न है संकटापन्न स्पीशीज कौन से हैं।